नमस्कार दोस्तों, इजी एडिटिंग के नए ट्यूटोरियल सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। इजी एडिटिंग का ये ट्यूटोरियल AVS वीडियो एडिटर के ऊपर है। इजी एडिटिंग का मकसद है कि आपको एडिटिंग के डिफरेंट पहलुओं से रूबरू कराएं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इजी एडिटिंग इस चैनल का नाम इसलिए रखा गया है ताकि आप ये जान सकें कि एडिटिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एडिटिंग बहुत आसान चीज़ है। बस आपको कंटिन्यूसली इसमें लगे रहना है, इसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है और आप आराम से इजी एडिटिंग चैनल के अंदर एडिटिंग सीख जाएंगे। AVS वीडियो एडिटर एक बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे, बहुत ट्रांजिशंस मिलेंगी, टेक्स्ट एनिमेशन मिलेगा जो आपकी वीडियो एडिटिंग को बहुत खूबसूरत बना देगा। AVS चलाना काफ़ी आसान है, आपको बस हमारे ट्यूटोरियल्स को देखते रहना है। हम AVS के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं। जैसा कि आप जब AVS एडिटर खोलेंगे आप देखेंगे कुछ इस तरह की विंडो, जो हमारे इसमें मैसेज आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज, वो ये है कि ये जो मैं चला रहा हूँ ये AVS का नॉन एक्टिवेटेड वर्जन है। अगर आप भी नॉन एक्टिवेटेड वर्जन चलाएंगे तो आपको भी कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। नॉन एक्टिवेटेड वर्जन और एक्टिवेटेड वर्जन में ज़्यादा फर्क नहीं है। नॉन एक्टिवेटेड वर्जन के अंदर आपको एक वाटरमार्क मिलेगा जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, पर वो वाटरमार्क हटाया जा सकता है। उसके भी तरीके हैं, वो भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर बताऊंगा। जो हमारी पहली वीडियो है उसके अंदर मैं आपको इंटरफेस और इंपोर्ट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप शुरू में जब खोलेंगे तब आपको इस तरह का मिलेगा जिसके अंदर पहली प्रोजेक्ट सोर्स विंडो है, यहाँ दूसरी तरफ कंपोजिशन विंडो है जहाँ पे आप जो भी टाइमलाइन पे कंपोज करेंगे, जो भी आपकी वीडियो एडिट हुई होगी वो यहाँ पे दिखेगी, और तीसरी टाइमलाइन पैनल जहाँ पे आपको एडिटिंग करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें पहली लाइन आपकी होगी मेन वीडियो की लाइन, उसकी नेक्स्ट लाइन पे आपको मिलेगा इफेक्ट, उसकी नेक्स्ट लाइन पे आपको मिलेगा ओवरले की वीडियो, उसके बाद टेक्स्ट, ऑडियो और लास्ट में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। और यहाँ पे जब आप मेन वीडियो पे जाएंगे आपको यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी मिलेगी, यहाँ से आप फाइलों को इंपोर्ट करेंगे, आप जो भी फाइल इंपोर्ट करेंगे वो आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे जो आपके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा यहाँ पे कोई भी पुराना प्रोजेक्ट नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक सैम्पल प्रोजेक्ट है जो कि AVS के अंदर ही मिलता है। और यहाँ पे जो करंट प्रोजेक्ट जो मैं अभी बनाने जाऊँगा वो प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आपकी ये वाली विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको दिखाई देगा कि आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो कहाँ आ रहा है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा वेबकैम से वीडियो बनाने का, वेबकैम का यूज़ करने का, उसकी वीडियो को डालने का। और यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, आप हाँ AVS के अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। और यहाँ से आपको मीडिया लाइब्रेरी जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया, यहाँ पे आपको टेक्स्ट ट्रांजिशंस का ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर, जिसके लिए मैं आपको अच्छे से ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, वॉइस का ऑप्शन मिलेगा, डिस्क का ऑप्शन मिलेगा और प्रोड्यूस करने का, आपकी विंडो प्रोड्यूस करने का। मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं करंट प्रोजेक्ट का ऑप्शन खोलता हूँ तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ इंपोर्ट कुछ भी मैंने अपने प्रोजेक्ट में काम नहीं किया अभी, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको शुरू में इसी तरह का होगा, इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आप अगर क्लिक करें, जहाँ पे क्लिक का ऑप्शन आ रहा है तो आपके सामने इंपोर्ट करने के लिए विंडो खुल जाएगी कुछ इस तरह से, लेकिन अगर आप यहाँ ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करें तो आपके सामने वो विंडो नहीं खुलेगी। आप इंपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ फाइल के अंदर जाके इंपोर्ट मीडिया से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे लिखा है कंट्रोल आई से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी कंट्रोल आई प्रेस किया तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ से जो जो फाइलें आपको सिलेक्ट करनी है आप उन सबको इंपोर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सारी फाइलें सिलेक्ट हो जाती हैं, या कंट्रोल दबाए रखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा फाइलें सिलेक्ट करने का। यहाँ मैंने शिफ्ट दबाया गया है तो मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ उनके बीच से सारी फाइलें सिलेक्ट हो जा रही हैं। अगर मैं सिर्फ कंट्रोल दबा के रखूँ तो मैं सिर्फ जो सिलेक्ट करूँगा वही फाइलें सिलेक्ट होंगी और उन फाइलों को ही इंपोर्ट करूँगा। जैसे मैंने ये किया, अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ ऑडियो इंपोर्ट की हैं तो मेरी ये सिर्फ ऑडियो वाली लाइन में आएंगे और किसी लाइन में नहीं आएंगे। अब आप चाहें तो यहाँ से सैंपल से मैं आपको एक वीडियो भी इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये वीडियो है आप इसको इंपोर्ट करना चाहें, ये देखिए आपकी इंपोर्ट की लाइन में आ गए, तो इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ से भी आप और अगर वीडियो इंपोर्ट करना चाहें तो आपको और वीडियो इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा।
आप जानते हैं जब आप सैंपल स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था प्रोजेक्ट, उसमें आज जो आपको सैंपल मिला है, इससे भी आप काफ़ी एडिटिंग सीख सकते हैं। इसको AVS ने आपको इसीलिए दिया है ताकि आप इसको देखें, समझें, जानें कि किस तरह से AVS ने एडिटिंग या AVS ने जो आपको दिया है उसमें किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। आप इसको प्ले करेंगे तो आपको दिखेगा किस तरह से यहाँ पे एडिट हुई है। यहाँ पे उन्होंने हर एक लाइन का यूज़ किया है और आपको दिखाया गया कि किस तरह कौन सी लाइन कैसे यूज़ हुई है। ऐसे ही आप भी यूज़ करेंगे, जब आप एडिट करेंगे आप भी सभी लाइन का यूज़ करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं आपको वीडियो को। और जो मैंने खोला था वो ऑप्शन यहाँ पे था, ब्लैंक प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखिए। अब मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस पे बाकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए। आपकी अगर कुछ फीडबैक हो, कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारे चैनल की अपडेट चाहिए कंटिन्यूस अपडेट के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आपको कंटिन्यूस अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू हमारे चैनल से वीडियो देखने के लिए।